प्यारा गुड न्यूज है, देखो वो लोग बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। मेरा भाई जो यहाँ पे विशाल भाई, आपको बताएंगे वो गुड न्यूज क्या है। ये हम ये जो फीमेल है वो मेटेड फीमेल है, इसको हो गया अभी 50 डेज। इसका पूरा सामान आएगा जब बॉम्बे जाऊंगा, ये पूरा सामान लेके आऊंगा। इसको आज लेके जा रहा हूँ वॉशिंग पे, वॉशिंग से पहले मैं GoPro का बैटरी चेंज कर लूँ। सो गाइस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जितने लोग भी KTM यूजर्स हैं, किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है देखो। अभी ये चालू किया, इधर हीटिंग 1% 2% आ गया लेकिन पेट्रोल 1% भी नहीं आया। कितने दिन से गाड़ी खड़ी है मुझे खुद को नहीं मालूम बिना पेट्रोल की। So, अब आ चुका गाड़ी में पेट्रोल और गाड़ी को सीधा लेके जा रहे हैं वॉशिंग सेंटर, क्योंकि कल है संडे। प्लान तो फिक्स हुआ नहीं है लेकिन क्या पता मूड रात भर में चेंज हो जाए। और जब तक मैं वॉशिंग सेंटर पहुंचूं गाड़ी को क्लीनिंग कराऊं, तब तक आप एक प्यारा सा वीडियो देखिए जो कि मैं पुणे गया था शूट किया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड हो नहीं पाया, वो माइक और कैमरे का कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेना और बाकी उसके बाद वीडियो तो पूरा एंड हो ही जाएगा। तो नाउ 1 2 3 स्टार्ट। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यार ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, मतलब धनंजय भैया हम सब के बीच में एक प्यारा सा हमारा डॉग आया था। क्या नाम था धनंजय भैया उसका? नाम था शिजुका। शिजुका। आज हम आपको मिलाएंगे इनके बचपन के दोस्त जिनका नाम है विशाल भाई और वो एक ब्रीडर है। सो इसके बाद आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मतलब अच्छे अच्छे फोटोज देखने वाले हो डॉग्स के जो आएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ विशाल शिंदे। ये जो मेरे पास है ये रॉटविलर है, ये जो है सामने आपके खड़ी हुई ये है हनी, ये है मेरे फ्रेंड, इनको मैंने अमेरिकन बुली दिया था, काफ़ी स्वीट डॉग था। ये है दो डॉग अभी, अब हम देखेंगे अपना कैनल। बताओगे अभी कौन सा प्यारा सा बच्चा है भाई, किसका बच्चा है ये? हेलो, मेरा नाम रोहन है और ये जो है मेरे हाथ में ये लासा सो फीमेल पपी है, शी इज 2 ईयर ओल्ड। ये मोस्ट प्रॉब्ली फैमिलियर होती है, एग्रेसिव में थोड़ी बहुत होती है, नहीं नहीं बोल सकते अपन, बट फैमिली में रखने के लिए इज गुड भाई। फिर भी मैं बहुत डरता हूँ, धीरे धीरे इनसे प्यार हो जाएगा। हाय, ऐसे और भी यहाँ पे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। उसको अभी नेक्स्ट देखते कौन सा डॉग आने वाला है। तो मैं आपको रियली सॉरी बोलना चाहूंगा, बैकग्राउंड में बहुत सारा आपको आवाज आ रही है, यहाँ बहुत सारे डॉग हैं जो आपने सिनेमैटिक शॉट देखा है। और यहाँ पे एक और प्यारा सा है, मैं दूर रहूँ कि इसके पास आऊँ? हाँ, पास सकते हैं, पास कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये इसके कान बहुत मुझे स्मूथ लग रहे हैं, एकदम नीचे गिरे हुए। ये बुजो है। ओके, ये मेल है, 3 ईयर्स ओल्ड है। ओके, ये भी एक फैमिलियर है, फैमिलियर डॉग है, टॉय ब्रीड है और थोड़ा सा हाइपर है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं है। और इसको देखो, ये इतना फ्रेंडली है कि भाई मतलब कुछ पड़ी नहीं है, हम अपने मजे में रहेंगे। सो कैसे हो? एकदम मस्त मौला आदमी है, देखो मस्त मौला आदमी है। ओहो, ये मुझे याद है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। धनंजय भाई के पास जो था कौन सा था? वो अमेरिकन बुली था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार देख लो। इसके बारे में, इसकी आंखें बहुत प्यारी है, इसकी आंखें बहुत प्यारी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा दूर, अभी भी मैं बहुत डरता हूँ। गाइस, आई एम रोहित फ्रॉम RC पेट्स एंड कैनल्स। ये हमारी जोया अमेरिकन बुली हम लोग इसको बोलते हैं। ये एक्चुअल में लोगों को लगता है कि बहुत एग्रेसिव डॉग होते हैं, मगर वैसे नहीं होते, ये बहुत फैमिलियर डॉग होते हैं। ये बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं और हमारे साथ फैमिली एक मेंबर बन सकते हैं। इसको गौर से देखो और आपको सिर्फ एक ही चीज याद आएगा, वो है ओडाफोन का एड। हाँ जी, याद आ गया, ओडाफोन के एड में आपने इस डॉग को देखा होगा। ये डॉग है ना ये डॉग बोलते हैं इसको। ये भी एक फैमिलियर डॉग है, टॉय ब्रीड है,
नॉर्मली लो मेंटेनेंस के हिसाब से अगर आप पालना चाहेंगे तो आप बेझिझक पाल सकते हैं, क्योंकि ये कम खर्चे में और एक अच्छा फैमिली मेंबर आपका बन सकता है। बहुत प्यारा चेहरा, तो इतना भोला लगता नहीं इसका। गोलू वाह, बहुत भोला यार, बहुत भोला है। अब जो मैं आपको डॉग दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको भी झटका लग जाएगा इस डॉग को देख के। मेरे शहर में दो तीन लोगों के पास है और मैं भी लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया, लेकिन आज मेरे सामने और मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा डॉग है। सो भाई बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग इसके पास आऊँ मैं। वाह, हाय गाइस, ये है साइबेरियन हस्की। ये रिलीज है इसका अलास्का से, साइबेरिया से। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये डॉग जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी जो है वो इसका ब्रीडिंग जो है वो प्रॉपर इंडिया में हो चुका है। ठीक है, इसके वजह से हर एक घर में रह सकता है। तो मुझे हस्की लेना था, मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, बहुत सारे देख रहा था, और मैंने देखते देखते मुझे मालूम पड़ा, लोगों ने बताया कि अगर आप हस्की ले रहे हो और उसको पालना है तो आप उसको बचपन से ही लो, मतलब उसको स्टार्टिंग से लो, और जिस वातावरण में आप उसको रखोगे वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेगा और वो धीरे धीरे उस वातावरण में स्ट्रांग हो जाएगा। तो लाइक कर, देखो यहाँ पे दिख रहे पुणे में हस्की, वो भी कौन सा कलर है, गोल्ड ना, वाओ, ग्रे एंड व्हाइट। थोड़ा सा मैं कलर में धोखा खा गया भाई, बुरा मत मानना। ओके, इसकी आंखें देखो यार, गजब की आंखें हैं यार। सो तो आप ये मत कहना कि इस पर अत्याचार कर रहे हैं इसको ऐसा वैसा, भाई बचपन से है इस वातावरण में एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, कोई तकलीफ नहीं दिखाओ, छोड़ देगा तो भाग जाएगा दूर, ये गजब है। यहाँ पे मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत ही प्यारा गुड न्यूज़ है। देखो वो लोग बोल रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा है, मेरा भाई जो यहाँ पे विशाल भाई आपको बताएंगे वो गुड न्यूज क्या है। ये हम, ये जो फीमेल है वो मेटेड फीमेल है, इसको हो गया अभी 50 डेज, 10 डेज या 12 डेज में पपी दे देगी। इसको जो मेटेड किया हुआ मेल है वो रशियन इंपोर्ट है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज कांटेक्ट कर लेना। और आपके पास भी प्यारा सा हस्की 10 दिन में आ जाएगा, अगर मेरा मन बन गया, ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के पैसे दे दिए तो पहला मैं आके लेके जाऊं 100%। बहुत प्यारा है यार, ये पुणे का बेस्ट है, और मैं जो भी है इनके वजह से आया यहाँ पे। कैसे कनेक्शन बना है वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि मैं इनके पास, आपके पास कौन सा डॉग आया था, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी यार, अमेरिकन बुल्ली आया था, फिर हम उससे मिले, फिर उसके बाद उन्होंने विशाल भाई के बारे में बताया जो आपने स्टार्टिंग में देखा। सो आज देखो, आज आपके वजह इतने सारे डॉग देख लिया और हस्की से भी मिल लिया, लगे रहो। इधर भीमा कॉल पे लगा, किधर है भीमा, भीमा देखो तेरा नेटवर्क स्लो है, सिम चेंज कर। ये जो है बहुत ही शैतान दिख रहा है मुझको, बहुत ही शैतान, और इसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ है, वो अच्छी न्यूज़ तावेल इसलिए रखा हूँ कि चमक में बच जाओ आज यहाँ पे। वाओ, ओ सो स्वीट। सो भाई आप ही बता दो कौन सा डॉग है ये, और ये है लैब्राडोर रिट्रीवर, ये टॉप क्वालिटी का लैब है, ऑलमोस्ट पुणे में कुछ रेयर ब्रीडर लोग के पास ही ये आपको मिलेगा। ये मेरा सबसे चहेता डॉग है, ही इज 3.5 ईयर ओल्ड रॉकी, या फिर किसी को देखना भी हो तो भी आप आके देख सकते हैं भाई, यही तो होती है, मतलब दिल एकदम खुला होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, मतलब आपको देखना भी है ना तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या क्या इनके पास क्वालिटी के ब्रीड्स या टाइप, बस यही सुनना चाहता था मैं और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे देखो कितना शांत, कितना प्यारा और कितना सुशील है यार। हेलो भाई, इधर देखो, मिस्टी नाराज हो गया, मिस्टी मिस्टी नाम ही इसका मिस्टी है, मतलब कितना मिठाई है यार। सो अभी एक बार मैं आपको सभी मेंबर से मिला दूं, यहाँ पे जितने सारे लोग यहाँ पे है, कितने लोग है बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे कितने सारे लोग आपको दिख रहे हो, एक बार आप सभी का नाम जान लो यहाँ पे। भाई विशाल भाई, मैं हूँ विशाल, आपने तो मुझे देखा रहेगा। ये है मोहित चौधरी, ठीक है, ये है रोहन चौधरी, ये है रोहित चौधरी, ये बड़े हैं सबसे, ये सबसे छोटे हैं, ये जो भाई है वो बीच वाले है। इन तीनों जो है वो आरसी पेट शॉप, इनके नाम पे, दोनों के नाम पे जो है वो आरसी पेट शॉप ही बना हुआ है। ये भाई हमारे स्पेशल है गणेश घाड़गे सेठ, ठीक है। प्यारे से वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे भी ये सब चीज़ देखना था कि भाई कितने सारे डॉग होते हैं, क्या क्या नाम होते, मुझे नाम भी याद नहीं, सिर्फ दो नाम याद है, जर्मन शेफर्ड और हस्की, और कोई नाम याद हुआ ही नहीं। आई होप कि धीरे धीरे नाम याद हो जाएगा, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे डॉग दिखाए। वाह देखो प्यारा, ये कौन सा डॉग है, लैब्राडोर भाई, बहुत प्यारा, बहुत स्वीट है। सो आप कुछ कहना चाहोगे भाई? मैं आपके व्यूअर्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पेट्स ये एक
एनिमल समझ के नहीं लीजिए, एक इंसान समझ के लीजिए, जिनको खिलौना ना समझे लिए हैं, उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ समय दीजिए और उनको एक फैमिली मेंबर की तरह रखिए। वाह। इसके अलावा पेट लवर्स के लिए मुझे कुछ अलग नहीं कहना है, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमको पेट संभालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या पेट्स हमको संभालने में कोई तकलीफ है, चाहे उसको कोई बीमारी है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने भाई से कॉन्टेक्ट कीजिए। एनी टाइम एनी वेयर हम लोग आपके हेल्प के लिए तैयार है, बिकॉज ऑफ वी ऑल आर पेट लवर्स। वाह, विशाल भाई भी आपके साथ रहेंगे। और वहाँ पे देखो हमारे मैनेजर साहब वहाँ पे बैठे पड़े, भाई साहब लगता है कुछ तो प्लान करने वाले यहाँ पे, गजब। सो भाई मिलते जल्दी दूसरे व्लॉग में, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, बाय। क्या बोल, दिखा ना क्या बोल रहे थे, दिखा जरा क्या बोल रहे थे। ये ना यार, जो लोग भी ये पैसा दे के जाओ वॉशिंग का, पैसा बहुत लोग नहीं देते, तो भाई ने बुक में लिखना चालू कर दिया, पहले मुँह जुबानी थे, हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे देखो गाड़ी जो है सिर्फ डीजल वॉश और शैम्पू वॉश हुई है, मिसिंग हो रहा है, तो पॉलिश जो कि जल्दी में कराने वाला हूँ, जिससे ये और नया जैसा लगेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना बहुत जगह वो मटमिला दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ग्रे जैसा हो रहा है। अभी जाऊँगा ना घर पर, अभी थोड़ा पॉलिश मारूँगा, फिर बस कल का प्लान है। अच्छा, अभी यही संडे यहाँ वहाँ घूमेंगे खाली। हाँ ओहो, हाँ स्टॉल स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, पुराना वाला प्रॉब्लम फिर से आ गया। वापस देखते हैं। वाह भाई चालू हो गया, ध्यान ही नहीं है, और शायद से बहुत टाइम के बाद धोया ना तो नाराज हो गया। बाइक हो चुकी है रेडी कल सुबह संडे राइड के लिए। संडे राइड कहाँ जाना है, मैं अहूरा नहीं जाना चाहता, बस कहाँ जाना है वो मैं संडे निकलूँगा तो डिसाइड करूँगा। और जो आपने ये ब्लॉग देखा ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, वो जो आवाज़ स्टार्टिंग में जो आपने सुना मैं उसके वजह से बहुत ये हो गया कि यार ये ख़राब आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो गया, टेंशन में था कि डालूँ कि नहीं डालूँ, लेकिन सोचा फाइनली इसको डाल ही देते हैं और आप लोगों को दिखाई दिया, तो उस आवाज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी। लेकिन जो ब्लॉग बना है बहुत ही शानदार, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ,